हे गाइज, मेरा नाम है अमन चचान और आपका हमारे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके डेस्कटॉप पीसी या फिर लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई भी पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, कोई भी पोर्ट है वो काम नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब दिक्कत है, या फिर कोई एक पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो कैसे वो सही होगा, क्या आपका पोर्ट ख़राब हो गया या फिर अंदर से कोई दिक्कत है, तो उसके पूरे मतलब उसके सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ। देखिए, आप देख सकते हो मैं जैसे ही इसके केबल कनेक्ट करता हूँ एक सेकंड के लिए लाइट जलती है, इसके बाद लाइट बंद हो जाती है और यहाँ पर ये लैपटॉप, ये जो यहाँ पर माउस है वो हम लोग का काम भी नहीं कर रहा है। हम लोग देखिए चला रहे हैं तो कर्जर वर्जर कुछ भी नहीं हिल रहा है, तो हम लोग को मैनुअली अपने उससे कर्जर से हिलाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि जो डिवाइस का वो पोर्ट है वो इनेबल्ड है फिर भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर डिसेबल्ड डिवाइस लिखकर आ रहा, मतलब कि ये इनेबल्ड है, तो ये भी है। तो यहाँ पर अभी मैं बताऊँगा कि आपको कैसे करना है जिससे कि ये सही हो जाए या फिर आपका काम नहीं कर रहा तो क्या करना है आपको। गाइस, सबसे पहले तो आपको कंट्रोल पैनल पर जाना है अपने उसके। देखिए, यहाँ पर अगर आपका माउस काम नहीं कर रहा है तो आप कंट्रोल पैनल सर्च करके भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये काम लैपटॉप में तो हो सकता है, लेकिन अगर आपको पीसी पे करना है तो फिर आपको ये कीबोर्ड की मदद से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग कैटेगरी वाइज लगा लेते हैं। यहाँ पर आपको हार्डवेयर एंड साउंड वाले ऑप्शन में जाना है। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हार्डवेयर एंड साउंड का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन होता है डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स का, वहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं आप, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, अभी आप जैसा देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे जो है अपना यूनिवर्सल सीरियल बस कंट्रोलर लिखा है, मतलब कि यूएसबी। तो यहाँ पर आपके सारे तीन यूएसबी लगी हुई हैं मेरे लैपटॉप पे, तो यहाँ पर तीनों वो आ गई हैं। अब आपको यहाँ पता करना है कि आपकी कौन सी यूएसबी काम नहीं कर रही, या फिर तीनों ही में से कोई भी नहीं काम कर रही है, तो आप कोई भी मतलब ओपन कर सकते हैं इनमें से। अभी आप देखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख के आ रहा है, अगर राइट क्लिक करते हैं तो अपडेट ड्राइवर, डिसेबल ड्राइवर और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। आपको यहाँ पर ड्राइवर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको डिसेबल करना है इस डिवाइस को, मतलब जो कोई भी काम नहीं कर रही है, या फिर अगर कोई नहीं कर रही तो आप किसी में भी कर सकते हैं। आपको एक बार डिसेबल करना और फिर इसके बाद इसको इनेबल करना है। गाइस, कभी कभी क्या होता है, अंदर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सॉफ्टवेयर इशू होता है, तो इस वजह से ये काम करना बंद कर देता है। एक्चुअल में आपके लैपटॉप में कुछ भी ख़राब नहीं होता है, तो एक बार दिखाने से पहले सर्विस सेंटर में आप इसको करके देख लीजिएगा और अपडेट भी कर लीजिएगा अगर अपडेटेड नहीं है आपका तो ये आप एक बार कर लीजिएगा, ताकि आप पूरा इंश्योर हो जाएं कि हाँ, मेरे सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ड्राइवर में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर से ही कोई हार्डवेयर इशू है। क्योंकि फालतू में क्या फ़ायदा हो, आप पैसे लगाएं, आप जाएं सर्विस सेंटर में और फिर वहाँ पर वो यही चीज़ आपको करके दे दे और आपसे अच्छे खासे पैसे वसूल ले, तो ये यहाँ पर बहुत ही दिक्कत भरा हो सकता है और आपके पैसे फालतू बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ों के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अदर साउंड वाउंड के, अगर आपका स्पीकर नहीं काम कर रहा तो वो भी आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो, यही सेम चीज़ मैंने जैसे ही करी तो यहाँ पर ये लैपटॉप का जो हम लोगों का माउस था, जो हम लोगों ने बाहर से लगा रखा था, ये ऑन हो गया। तो यही चीज़ आपको करनी है, आराम से आप इसको कर सकते, कोई भी बड़ा टास्क नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद है गाइस आपको ये हेल्पफुल होगा और समझ में आया होगा कि आपको कैसे करना है। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ पूछना, और गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर करना अगर किसी और को देखना। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। नमस्कार, धन्यवाद।